Hey guys, what's up? Welcome to our YouTube channel Exams for You, and this is Vishnu Maurya. And आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि SSC या IBPS दोनों में से कौन से जॉब्स बेटर हैं. तो देखिए दोस्तों, ये जो ओपिनियंस हैं मेरी पर्सनल ओपिनियंस हैं, मेरी पर्सनल चॉइस हैं. आपकी थिंकिंग या फिर आपकी प्रेफरेंस अलग हो सकती है और ये कोई इन जनरल नहीं है. ये पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि SSC जॉब बेटर है या फिर बैंक जॉब बेटर है या फिर बैंक जॉब ख़राब है या फिर SSC जॉब ख़राब है. सबके अपने फ़ायदे और अपने थोड़ा सा ड्रॉबैक्स हैं, एंड ये आपकी कम्प्लीटली अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी जॉब चूज़ करनी है. मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करूँगा कि दोनों में डिफरेंस बताऊँगा, और उसके बाद जो भी आपकी चॉइस है आप अपने चॉइस को आसानी से फिगर आउट कर पाएंगे जब आपको पता लग जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है. तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं. इससे पहले दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सो डैट कि आपसे भी कोई वीडियो मिस ना हो. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली चीज़ है एस्पिरेंट्स के मन में, यही होता है कि सैलरी क्या होगी. तो देखिए, 7th पे कमीशन के बाद जो SSC की सैलरी है अराउंड 50,000 के आसपास हो चुकी है, एंड बैंकिंग की अभी चल रही है 30,000 से 31,000 के बीच में, जो PO वगैरह की पोस्ट मिलती है. बट ये उनकी अभी सैलरी 2017 में रिवाइज होनी है, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनकी सैलरी रिवीजन होने के बाद अराउंड 42,000 के आसपास पहुंच जाएगी. तो हम कह सकते हैं मोर और लेस दोनों की सैलरी अब सिमिलर हो जाएंगे 2017 के बाद या 2017 में जब भी वो बैंकिंग का कमीशन आ जाएगा उनका पेमेंट का. ठीक है दोस्तों, तो ये सैलरी की बात हो गई. अब सैलरी के बाद हम बात करते हैं जॉब लोकेशन की. SSC सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस पूरे इंडिया में हैं, इसलिए आपको SSC में जब भी आपको जॉब मिलेगी तो हो सकता है आपको इंडिया के किसी भी कोने में भेज दिया जाए. लेकिन जब भी आपको पोस्टिंग मिलती है तो ज़्यादातर कहीं भी भेजा जाए, किसी भी कोने में, लेकिन ज़्यादातर वो क्या होता है, सिटी एरियाज़ होते हैं, शहरों में ही होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स ज़्यादातर. ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन ज़्यादातर वहीं पे. IBPS में क्या होता है, IBPS में आपको RRB जो होते हैं रीजनल रूरल बैंक, अगर वो मिल गए तो ज़्यादातर चांसेस आपको गांव में ही होगा, विलेजेस में होंगे, और आपको अर्बन एरिया में भी मिल सकता है. ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि SSC ज़्यादातर सिटीज़ में जॉब मिलती है, एंड IBPS दोनों का मिक्स है. ठीक है दोस्तों, जॉब लोकेशन की बात हो गई. अब हम बात करते हैं प्रमोशन की. तो सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्रमोशन थोड़ा स्लो होता है, ये बात SSC के लिए भी उतनी ही एप्लीकेबल है. तो यहाँ पे IBPS के कंपैरिजन में जो प्रमोशन होता है वो थोड़ा स्लो होता है. अब जैसे कि IBPS में अगर क्लर्क की पोस्ट मिली है तो आप एग्ज़ाम दे के PO बन सकते हो, और PO के बाद जो एडिशनल आपको फर्दर आगे जाना है उसके लिए फिर आपके परफॉर्मेंस के बेस पर आपको प्रमोशन मिलता है. SSC में ज़्यादातर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके थ्रू आपको प्रमोशन मिलता है. बट ओवरऑल प्रमोशन की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा है और ज़्यादा अच्छे प्रमोशन मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू SSC. ठीक है दोस्तों, प्रमोशन के बाद अब बात करते हैं वर्कलोड की. तो ऑब्वियसली IBPS में वर्कलोड ज़्यादा है. इनिशियली आपको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लाइक रात के 9 बजे तक भी काम करना पड़ सकता है. ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार, लेकिन हाँ पड़ सकता है आपको ऐसा काम करना, और ये भी परमानेंट नहीं है. इनिशियली लाइक शुरू के 2-3 साल होते हैं उसमें आपको काम करना पड़ सकता है, क्योंकि वो आपका ट्रेनिंग पीरियड भी होता है, इसलिए आपको ज़्यादा काम करना पड़ सकता है. वहीं पे SSC में कंपैरेटिवली लो वर्क होता है, 9 to 6 जॉब होती है, 6 बजे के बाद आप अप्रॉक्सीमेट फ्री ही रहते हैं. तो कह सकते हैं कि SSC में कंपैरेटिवली थोड़ा वर्कलोड कम होता है. और अगर आप UPSC वगैरह की प्रिपरेशन चाहते हैं करना तो आप SSC को ही चूज़ करें, क्योंकि वहाँ पर आपको वर्कलोड भी कम होगा एंड आपको प्रिपरेशन की लीव भी मिल जाती है. हालांकि वो लीव में आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, बट हाँ आपकी जॉब सिक्योर रहती है. तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं. अब सबसे बड़ी बात, पावर. तो डेफिनेटली SSC के पास ज़्यादा पावर होती है SSC जॉब्स में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है. अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हो, ITA बनते हो, तो ऑब्वियसली आपकी किसी बैंक PO या बैंक क्लर्क से ज़्यादा पावर ही रहती है. तो SSC में ज़्यादा पावर है, IBPS में कंपैरेटिवली लो पावर होती है. एंड
अगर आप जॉब के बाद, जैसे जॉब बाद में बीच में छोड़ना चाहें, तो फिर ज़्यादा एडवांटेज IBPS के पास होता है, IBPS जो क्लर्क वगैरह जॉब होती है इनके पास, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी आपको जॉब मिलती है, जो भी आपको एक्सपीरियंस मिलता है, उस एक्सपीरियंस को प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर काम का नहीं होता वो, क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो वो एक्सपीरियंस प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं आ पाता है। हालांकि वहीं पर अगर आप बैंकिंग सेक्टर को बीच में छोड़ते हैं और प्राइवेट सेक्टर में आना चाहते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं वो आपको अच्छी सैलरी पे और अच्छे पोस्ट पे रखते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपके प्राइवेट सेक्टर में काम आ जाता है। तो आफ्टर द जॉब अगर बीच में छोड़ना चाहो तो IBPS के लिए ज़्यादा अच्छे चांसेज होते हैं, क्योंकि इनमें एक्सपीरियंस काउंट होता है और अच्छा पैकेज मिलता है SSC के मुकाबले। और टाइप ऑफ जॉब, तो SSC की जॉब है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, कम्प्लीटली गवर्नमेंट जॉब है, कम्प्लीटली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के होता है 100% शेयर, 100% ऑनरशिप, क्योंकि बैकएंड का काम होता है आपको करना होता है, 100% गवर्नमेंट का ही हिस्सा होता है। वहीं IBPS में क्या होता है, ज़्यादातर बैंक होते हैं, 51% गवर्नमेंट का शेयर होता है, 49% पब्लिक का शेयर होता है। तो जो प्योर गवर्नमेंट कल्चर है ना वो SSC में मिलता है, IBPS में थोड़ा कॉर्पोरेट स्टाइल में काम होता है, लाइक आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, कॉर्पोरेट स्टाइल के बिल्डिंग्स होंगे, कस्टमर से डील डायरेक्टली डील करना पड़ेगा। वहीं पे SSC में कस्टमर से डायरेक्ट डील आपको नहीं करना पड़ता है। कॉम्पिटिशन की बात करते हैं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है SSC के थ्रू तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना होगा एज़ कम्पेयर टू बैंक्स, क्योंकि बैंक्स में हर साल जॉब निकलती हैं और बहुत ज़्यादा निकलती हैं, ठीक है। IBPS के खुद के 3-4 एग्ज़ाम होते हैं और फिर SBI के अपने अलग से भी एग्ज़ाम होते हैं, और बैंक्स जो अदर बैंक्स हैं वो भी कई बार अपने अलग से भी वैकेंसीज निकालते रहते हैं, प्लस जो फॉर्म फिल करते हैं कैंडिडेट्स वो IBPS में कम भरते हैं एज़ कम्पेयर टू SSC, क्योंकि SSC में लास्ट ईयर 2016 की बात करें, CGL की बात करें, तो करीब 38-39 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो आप पता इस लगा सकते हैं इसी फैक्ट से कि SSC में कंपटीशन कितना ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि ये जो कंपैरिजन है ये आपको हेल्प करेगा आपकी ड्रीम जॉब को सिलेक्ट करने में। कोई भी जॉब ख़राब या अच्छी नहीं है, टोटली डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस पे। तो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है और आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन फाइनल कर लें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। थैंक्स।